एवरीवन, आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जाए, है ना। आपका एक पार्ट पिछला खत्म हो गया था, डॉट प्रोडक्ट समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे की श्रृंखला में बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और अगली श्रृंखला में शामिल है आपका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। टॉपिक को क्लियर करने का प्रयत्न किया जाए, टॉपिक को बिल्कुल एकदम क्लियर, एक एक चीज को अच्छे से समझ करके कार्य करना है। बिल्कुल मस्त, अच्छे से समझिए, बढ़िया तरीके से समझिएगा, है ना। सब चीज पढ़नी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चाहे कोई भी किताब हो, आप किताब उठाएंगे, आपके पास वो सब चीजें होंगी। एनसीईआरटी हो, चाहे आरएस हो, चाहे आरडी हो, चाहे एचएस हो, चाहे कोई और किताब हो, गुप्ता बंसल, हर किताब को आप अपने दिमाग में रख करके काम करते चलिए, है ना। तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, मैक्सिमम आप काम हम कर रहे हैं तो हम हर किताब को लेके चल रहे हैं, कहीं कुछ छोड़ने वाली बातचीत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। बाकी आप फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज दिया गया होगा, बताया गया होगा, हमें आप सीधे सीधे अपने अपने टास्क पे काम करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का ऐसा गुणा, दो वेक्टर का ऐसा क्या कराया जाए, ऐसा क्या कराए, कौन सा गुणा किया जाए कि जिससे उससे वेक्टर क्वांटिटी निकले, तो उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी मॉड, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इनटू एन कैप, ये जो कोई नई चीज आई इसमें, एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इसका क्या नाम है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश मतलब जो दो वेक्टर्स पर लंब हो उस सदिश की बात करें, लंब इकाई सदिश, लंब इकाई सदिश, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। फिर इसी को और आगे ऐसे लिखा गया, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब ये नई चीज आई, क्या लिखा गया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यानी इसका मतलब हुआ, हेंस साइड में लिख लीजिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की अलग एक वैल्यू बनती है, उसका नाम है ए क्रॉस ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, यानी आपके पास बेसिक फॉर्मूला जो बन के आया वो ये है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला चलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला चलेगा। अब जरा पहले बात को समझने का प्रयत्न करें कि व्हाट इज एन वेक्टर। जरा फिगर देखिएगा, फिगर कहां बना, यहां बना दिखाई देगा, ये हमारा साथ ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत। तो ये जो एन वेक्टर है वो कौन है, जरा समझना, दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का रूल बता रहे हैं, लेफ्ट सॉरी राइट हैंड। तो सबसे पहले क्या करिए, आगे कौन लिखा वेक्टर, जो आगे वेक्टर लिखा हो उसी पर अपने अपनी हथेली को ऐसे रखना है। हथेली ऐसे रखी जा सकती है, ऐसे रखी जा सकती है, बस शर्त यह है कि जब हम हथेली को ऐसे रखें कि हमारा जब मुट्ठी हम बंद करें तो हमारी मुट्ठियां उस दूसरे वेक्टर की तरफ जा रही है। जैसे हम ए वेक्टर को यहां रखा, रख दिए, अब अगर हम मुट्ठी बंद करेंगे तो हमारी देखो बी वेक्टर की तरफ जा रही है, उंगलियां जा रही, उस कंडीशन देखो अंगूठा कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो ये आ रहा है अंगूठा, ऐसे ये आया कि नहीं, जब हथेली को ऐसे रखा उंगलियां इसे बंद करी, अंगूठा ऊपर की तरफ आया। तो ये जो है, ये जो पेन दिख रहा है आपको मार्कर परपेंडिकुलर एकदम इस पे ब्लैक बोर्ड पे जो परपेंडिकुलर दिख रहा है, यही है एन कैप, दिस इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होता है, ए और बी दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर। खासियत देखिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसको फिगर में कैसे दिखाएंगे, वैसे तो नहीं दिखा सकते, इसको यहां पे ऐसे करके दिखा दिया गया, ये है एन कैप, ये है एन कैप, इसको ऐसे करके सीधा कर लेंगे तो आपको एन कैप दिखा दिया जाएगा। हमने ऐसे हथेली रखे, हम ऐसे हथेली रखते हैं तो उंगली हमारी देखो बी की तरफ बंद नहीं हो पाती, तो ये रखना बेकार हो जाता, ऐसे करके उंगलियां तो नीचे जा रही थी और वेक्टर ऊपर था तो बेकार था। तो हथेली को कैसे रखा, ऐसे रखा और उंगलियां किसकी तरफ बंद की, बी वेक्टर की तरफ, देखो ऐसे बंद करी, बंद करने पर अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वही किसको रिप्रेजेंट करेगा,
वही रिप्रेजेंट करेगा एन कैप को। आइए जरा अब यहां देखिए बगल में, अब बी वेक्टर यहां कर दिया और ए वेक्टर यहां कर दिया, अब हम बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट करवाने जा रहे हैं? बी क्रॉस ए को रिप्रेजेंट कराने जा रहे हैं। अब जरा समझना, इससे एक रिजल्ट निकलेगा। जैसे वहां एक रिजल्ट था ए डॉट बी की वैल्यू और बी डॉट ए की वैल्यू बराबर होती थी, यहां ऐसा नहीं होगा। यही समझना है आपको। हमने बी पे उंगली रखी है ऐसे, बी क्रॉस ए। अब जरा ध्यान दो, बी क्रॉस ए पोजिशन वही रखो, अभी तभी मजा आएगा, नहीं तो दोनों में अलग अलग नहीं दिखे। ए यहीं है, बी यहां है। अब बी क्रॉस ए निकालने जा रहे हैं, तो हमने अपना अंगूठा ऐसे बी पे रखा, मतलब बी पे ऐसे हथेली रखी। अब उंगलियां ए की तरफ बंद करो तो नहीं बंद हो पा रही ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हथेली ऐसे पलटनी पड़ेगी, ऐसे पलट दिया, ये देखो पलट दिया। जब पलटा तो अब उंगलियां देखो बी से ए की तरफ बंद हो रही है, बी क्रॉस ए उंगलियां। तो अंगूठा कहां जा रहा है? ब्लैक बोर्ड में नीचे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है ना। इधर कहां आ रहा था? इधर ये वेक्टर कहां था? आगे की तरफ। उधर कहां वेक्टर? नीचे की तरफ है। तो क्या वेक्टर की डायरेक्शन सेम है? नहीं सेम है, नहीं सेम है। एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। वेक्टर में डायरेक्शन सेम होनी चाहिए तभी वो बराबर होते, नहीं तो नहीं होते ना, तभी बराबर होते, नहीं तो। यहां से एक रिजल्ट निकल आता है कि ए क्रॉस बी की वैल्यू बराबर नहीं होती है बी क्रॉस ए की। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नहीं बन, अगर आपसे कोई एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो आप इसको इस तरह से समझा सकते कि इस वजह से बराबर नहीं होती है। तो यह है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इनटू एन कैप। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर, लंब इकाई सदिश। क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड आउट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। जब भी यूनिट, देखो नॉर्मल वेक्टर पूछे अलग बात है, सॉरी यूनिट वेक्टर पूछे अलग बात है, लेकिन यार यूनिट नॉर्मल जब बोलेंगे तो आपको इसकी बात करनी है, एन कैप की बात कर रहे हैं। यूनिट नॉर्मल जब सिर्फ यूनिट वेक्टर पूछेंगे तो वो पुराना वाला मेथड, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, कब चलेगा? जब यूनिट वेक्टर पूछेंगे। अब यूनिट के आगे एक शब्द जोड़ दिया, यूनिट नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल नाम बदला है हमने, लंब इकाई, वहां पे सिर्फ इकाई था, यहां लंब इकाई नाम बदला है, यानी एन कैप की बात हो रही है। और एन कैप का यहां से फॉर्मूला निकलेगा सर, इस जगह से एन कैप का एक फॉर्मूला निकलेगा, एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अरे बाप रे, ये किसमें यूज होगा? जब हमको यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमसे पूछेंगे तो इस फॉर्मूले का सदुपयोग करेंगे। प्लीज नोट इट, ये आप ही के लिए है। हम हट जाते हैं, नोट कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिक अच्छे से अगर क्लियर होगा तो आप एक एक चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। मिटा दें? चलिए मिटा दें, लुक करें, मिटा दीजिए। अब आइए सर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, अब जरा समझिएगा ध्यान से, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब आई कॉमा जे कॉमा के की बात चल रही है। आई कॉमा जे कॉमा के का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो निकालने हम लोग जा रहे हैं। समझिए बहुत अच्छे अच्छे एक एक चीज को समझ करके काम करिएगा तो आपको बिल्कुल एकदम हर चीज समझ में आ जाएगी। कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना है आपको बस इससे सारी बातें। तो आइए सबसे पहले आई क्रॉस आई निकालने चल पड़े, आई क्रॉस आई, फिर हम जे क्रॉस जे निकालेंगे, फिर हम के क्रॉस के निकालेंगे, सब निकालेंगे आपके सामने रख के दे रहे हैं, फिर हम आई क्रॉस जे निकालेंगे, फिर हम जे क्रॉस आई निकालेंगे, के निकालेंगे, फिर हम के क्रॉस आई निकालेंगे, फिर हम जे क्रॉस आई निकालेंगे, फिर हम के क्रॉस जे निकालेंगे, उल्टी बात कर दी मैंने, आई क्रॉस के निकालेंगे। सारी बातें आपके सामने रखी हुई, एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपके सामने। फॉर्मूला खोलिए, ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, आई और आई के बीच का एंगल जीरो होता है, साइन थीटा इंटू एन कैप, इंटू एन कैप। देखो जरा ध्यान से, एक आई ये है, दूसरा आई ए है, दो आई हो गए, और इन पर देखिए एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, जो इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है उसका नाम ये है, देखिए यहां पे
ऐसे आई पे आई ऐसे रखें तो ये एक आई मान लो ये हो गया, एक वाई एक्सिस की तरफ मान लो, दोनों अलग अलग मान लिए तो परपेंडिकुलर कौन होगा के कैप, यानी एन कैप की वैल्यू कितनी आई के कैप आ जाएगी। मॉडिफाई की वैल्यू वन वन साइन जीरो वैल्यू जीरो, तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है जीरो। तो यहां पर इसकी कोई विशेष बात बात नहीं है। ऐसे जब आप इसको निकालोगे तो मॉड ऑफ जे इंटू साइन थीटा इंटू इन्ना लिखो, अगर के कैप नहीं लिखना है तो आप एन कैप ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन जीरो वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये भी जीरो हो जाएगा, वन इंटू साइन जीरो वैल्यू जीरो इंटू एन कैप, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो। तो ध्यान से देखिए, हम तीन की बात हो गई, इसको नहीं निकाला, इसको मैं आपके लिए छोड़ दिया। सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है साथ, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट मजाक कर गया, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो गया जीरो। आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो, ए क्रॉस ए वो भी जीरो, क्यों, ए मॉड ऑफ ए साइन जीरो वैल्यू जीरो, ए क्रॉस ए याद रखना जीरो होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आई क्रॉस जे निकालते हैं, फॉर्मूला लगाइए, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जी साइन 90। अब देखो वेक्टर को क्लियर करिएगा, ये हमारा आई कैप है, ये हमारा जे कैप है, आई पे हाथ रखता उंगलियां बंद करी, किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन होता है, के कैप होता है, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू के कैप, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप निकल के आई, वन नहीं निकली है। अब ऐसे जे क्रॉस के की वैल्यू निकालेंगे, मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ के साइन 90, और जे क्रॉस के जैसे जे और के की बात करोगे, जे और के तो उस पर आई परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वन इंटू वन इंटू वन इंटू आई कैप, तो आंसर कितना आ गया आई कैप। ऐसे इसकी वैल्यू निकालोगे के क्रॉस आई की, के क्रॉस आई की वैल्यू निकालोगे, के क्रॉस आई की वैल्यू तो आएगी जे कैप, ये डायरेक्ट है, ये लास्ट वाली। अब इसको देखिए, इसमें जरा थोड़ा सा थोड़ी सी बुद्धि पर समझ लेनी है, मॉड ऑफ जे मॉड ऑफ आई साइन 90। अब देखो जे पे उंगली हाथ रखना है, पहला वेक्टर जे है तो जे पे ऐसे रखा उंगलियां बंद करी, अब अंगूठा देखो कहां जा रहा है, इस बार ब्लैक बोर्ड में पीछे की तरफ जा रहा है ना, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ जे कैप के कैप, जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ के कैप और पीछे की तरफ माइनस के कैप, अरे बाप रे माइनस के कैप, तो फाइनली क्या आंसर आएगा इसका, माइनस के कैप आ जाएगा, ये तो बराबर, इसका ऐसे निकालोगे इसकी जब इसकी वैल्यू तो माइनस आई कैप निकल जाएगी, इसकी वैल्यू निकालोगे तो माइनस जी, ये तो सर बात मतलब हर बार क्या सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं टेक्निकली बताया जाएगा समझाया जाएगा तो आप सीख जाओगे कि कैसे याद करना है हमको फटाफट। सिमिलर सिमिलर ये इसको तो इतने भी याद करिए तुरंत, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट, बराबर जीरो, प्रोडक्ट जीरो होता है, बस ऐसे लिख दो जीरो होता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों यूज कर दिए, तो इसमें हमें समझाने वाली भाषा है, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे हैं आपको, आपको याद करने की टेक्निक बताई जा रही है। तो सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट वन, अब देखो दोनों बातें याद होनी चाहिए, सिमिलर का क्रॉस जीरो और सिमिलर का डॉट वन। अब ये अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अगर मान लो कंफ्यूज होते तो आप समझ करके निकाल लोगे कि जीरो होगा कि वन होगा। डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट जीरो था, पढ़ा था डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डिसिमिलर में वैल्यू निकली है सबकी ढेरों और भी अलग अलग, वहां तो डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट सीधे बोल दिया था जीरो, यहाँ डिसिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट तो बहुत कुछ होता नहीं कह रहा है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करते हैं देखो, इसमें एक सर्किल ऐसे बना लीजिए अपने दिमाग में, बना दिया यहाँ पर घड़ी की दिशा में, घड़ी दिशा मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आप ऐसे हीरो लगा लीजिए और यहाँ आई लिख लीजिए, यहाँ जे लिख लीजिए, यहाँ के लिख लीजिए, घड़ी की डायरेक्शन बना लीजिए और आई जे के तीन जगह लिख लीजिए, लिख लिया आई और जे का जब क्रॉस कराएंगे, आई और जे का तो बचा हुआ आएगा, इसका इसका क्रॉस कराएंगे तो बचा हुआ आएगा के आएगा, अगर हम घड़ी देखो आई से किधर जा रहे हैं, जे की तरफ जा रहे हैं, आई से जे की तरफ जा रहे हैं, अगर घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू, जे क्रॉस के बचा हुआ आई डायरेक्शन में पॉजिटिव, के क्रॉस आई बचा हुआ जे, जे पॉजिटिव डायरेक्शन, अब देखो यहां माइनस क्यों आया, देखो निगेटिव बनता है, जे क्रॉस आई जे और आई का क्रॉस करें तो बचा हुआ के तो आएगा आएगा, ये क्लियर हो गया, बचा हुआ जे और आई का जब हम क्रॉस कराएंगे, जे और आई का क्रॉस करेंगे तो बचा हुआ आता है तो कौन बचा के आ गया, अब देखो जे क्रॉस आई जे से कहां जा रहा है, उल्टा जा रहा है ना, जे से आई की तरफ जा रहा है, उल्टा जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो तो मतलब माइनस लग जाएगा। मतलब जब हम घड़ी की डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस में वैल्यू आएगी, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे माइनस में वैल्यू आएगी। आएगी कौन सी? जो बचा हुआ यूनिट वेक्टर होगा। याद करो यार, आराम से याद हो सकता है। आई क्रॉस जे ठीक है, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, उल्टा गए ना, के क्रॉस के से जे की तरफ उल्टा गए, के क्रॉस जे आई तो आएगा लेकिन कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, बस काम खत्म। दिमाग में बुद्धि में डालो, टेक्निक समझो और बस वंदे मातरम, है ना। भीड़ तुम बढ़े चलो, नोट करे चलो, शाबाश, नोट करो, नोट कर लिया। चलिए अब आइए सर बेसिक काम करते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालेंगे हम लोग, आइए सर उसको भी सीखते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस करना निकालना, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। एक ही चीज को समझा रहा हूं मैं आपको, फिर भी अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया ना तो समझ लो लाठियां बरसेंगे तुम लोगों पर, क्योंकि लापरवाही बहुत कर रहे हो सब लोग, बहुत ज्यादा लापरवाही हो रही है, है ना। हम वीडियो अपलोड करके छोड़ देते हैं, लोग देखने नहीं पसंद कर रहे। लेट ध्यान से समझिए, लेट ए वेक्टर इक्वल टू ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री जे, ऐसे तो वेक्टर होता है, हाँ जी। बी वेक्टर बराबर हमारा बी वन आई, बी टू जे एंड बी थ्री जे, बोले सर सही है, हाँ बिल्कुल सर सही है। अब इनका जरा क्रॉस करना है, ए क्रॉस बी निकालना, बहुत ध्यान से समझना, मजे बड़े मजेदार कहानी है इसमें। ए क्रॉस बी बराबर ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के, क्रॉस का सिंबल बी वन आई, बी टू जे, बी थ्री के। अब जरा क्रॉस कराना ध्यान से मन लगा करके, ए वन को पकड़ा सबके साथ करो, या बी वन को पकड़ो सबके साथ कराओ, पहले बी वन आई को पकड़ाते सबके साथ, तो क्या आएगा ए वन बी वन आई क्रॉस आई, ए टू बी वन जे क्रॉस आई, ए थ्री बी वन के क्रॉस आई, फिर बी टू पकड़ो ए वन बी टू आई क्रॉस जे, ए टू बी टू जे क्रॉस जे, ए थ्री बी टू के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। अब बी थ्री आई को पकड़ो बी ए वन बी थ्री आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, ए टू बी थ्री जे क्रॉस के, और लास्ट में ए थ्री बी थ्री के क्रॉस के। हमने दो ब्रैकेट का जैसे बचपन में गुणा सीखा तो वही करा हमने, और कुछ नहीं किया। अब आपके पास सब कुछ दिमाग में होना चाहिए एकदम, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, डिसिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपके पास सर्किल का विधि है, सर्किल आई जे के और डायरेक्शन तो पॉजिटिव, डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो निगेटिव। ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। आओ कितनी वैल्यू, आई क्रॉस आई वैल्यू जीरो हो गई, खत्म। ए टू बी थ्री, ए टू बी वन, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे ना, माइनस का के, तो माइनस आगे लिखते हैं, माइनस का के कैप, माइनस का के कैप, बोलो हाँ, बोले सर हाँ। ए थ्री का देखो, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई वैल्यू जे आएगी प्लस बी, तो ए थ्री बी वन क्या आएगी, के और आई का जे कट, ए वन बी टू, ए वन बी टू आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे प्लस की के कट, प्लस की के कट, क्रॉस सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, इधर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई डायरेक्शन में प्लस का आएगा, ए थ्री बी टू, ए थ्री बी टू जे कट, इधर आइए आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा, उल्टा बात कर रहे हैं, आई क्रॉस के उल्टी डायरेक्शन, आई क्रॉस के क्या वैल्यू आएगी, माइनस की ए वन बी थ्री जे कैप, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के पॉजिटिव आएगा, ए टू बी थ्री आई कैप, और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। चेक करो, चेक करो, चेक करें कहीं एक माइनस गड़बड़ किया आपने, एक कहीं माइनस गड़बड़, देखो भैया देखिए, जे के आई का कहीं माइनस गड़बड़ है, इस वाले जरा देखो, इस वाले को ए थ्री, ए थ्री बी टू को देखो, ए थ्री बी टू कहाँ है, ए थ्री बी टू के क्रॉस आई जे कैप, ए थ्री बी टू के क्रॉस आई जे कैप, और आई क्रॉस के माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, सही है, एक कहाँ गड़बड़ है भाई, इसको देखो जरा,
J क्रॉस के डायरेक्शन में, तो आई कैप सही है। ये वाला जरा चेक करें, K क्रॉस आई जे क्रॉस के कहां गलत हो गया भाई, आई क्रॉस आई जीरो हो गया, जे क्रॉस आई की वैल्यू माइनस जे क्रॉस आई उल्टा चल माइनस के हो गया, के क्रॉस आई प्लस का जे हुआ, ठीक है अच्छी बात है, ये दोनों माइनस है प्लस, अभी एक एक करके चेक कर लेना पड़ता, थोड़ा कहीं डिस्टर्ब है। आई क्रॉस जे प्लस का के, जे क्रॉस जीरो, के क्रॉस आई ठीक है प्लस का जे, आई क्रॉस के और जे क्रॉस के, आई क्रॉस के की वैल्यू ये आ गई, तो जे क्रॉस के जे ये है क्रॉस के प्लस का ही आ रहा है, चलो ठीक है आ रहा होगा, मैं क्या मालूम प्लस का ही आ रहा होगा, ठीक है आई आने दीजिए, अब जो आ रहा सो आ रहा, उसको हम परेशान नहीं करेंगे, इसको पकड़ो, यहाँ परेशान तो करेंगे यार, क्योंकि मिस्टेक तो कहीं ना कहीं इनको दिक्कत करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई वैल्यू गड़बड़ है, एक माइनस कहीं गड़बड़ कर रहा है, आई का ही माइनस गड़बड़ कर रहा है, आई वाले को ही गड़बड़ करा रहा है ये, और ये में देखिए कहीं एक जगह गड़बड़ लिखा है, पहले गुणा कराइए, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, माइनस की गड़बड़ी आ रही है, इसका इसके साथ गुणा कराया आई जे, इसका जे क्रॉस आई, इसका के क्रॉस आई प्लस का जे, फिर इसको पकड़ा बी टू ए वन आई क्रॉस जे, ये गलत है, लिखा ही गलत है यहाँ पे, यहाँ लिखा ही गलत है, इसीलिए गलत हो रहा सब कुछ इतनी देर से, ये गलत लिखा है जगह, ए थ्री बी टू के क्रॉस, लिखा तो सही था इसका गलत, के क्रॉस जे A3B2 है कहाँ, A3B2 K क्रॉस J उल्टा जा रहे देखो कहाँ जा रहे हैं उल्टा, अरे यार क्या है नाटक, कहाँ मिस्टेक कर रहा है बार बार, इसको पकड़ा इसके साथ I क्रॉस J, K क्रॉस J और K क्रॉस J ठीक है, फिर J क्रॉस K, K क्रॉस K ठीक, चलिए I क्रॉस I की वैल्यू जीरो, J क्रॉस I की वैल्यू J क्रॉस I उल्टा गए माइनस का K क्रॉस I प्लस का J, I क्रॉस J प्लस का K ठीक है, J क्रॉस J जीरो, K क्रॉस J उल्टा जा रहे हैं, K क्रॉस J इधर जा रहे हैं माइनस का ही आएगा, माइनस का ही, ये देखो मिस्टेक थी, माइनस का ही आएगा, K क्रॉस J माइनस का I और A1 B3 I क्रॉस K माइनस का J सही है, और ये देखो ये मिस्टेक थी, एक इतनी देर में ढूंढ पाए, यही गलतियां हो जाती हैं, अब भाई सर आई वाले इकट्ठे कर रहे हैं जगह, थोड़ा टाइम लग गया कोई बात नहीं, लेकिन सही ढंग से समझ लीजिए, ये और ये आई वाले इकट्ठे करो एक जगह, आई कॉमन कर लिया, अंदर क्या लिख जाएगा A2B3 माइनस A3B2, अब जे वाले कहां है, एक जे वाला ये और एक जे वाला, इन जे वाले माइनस कॉमन करिए, माइनस क्यों कॉमन करना है थोड़ी देर में क्लियर करेंगे हम आपको, इसमें प्लस का कॉमन, इसमें माइनस कॉमन किया, देखो J वाले माइनस कॉमन करें तो प्लस का हो जाएगा A1 B3 माइनस A3 B1, के वाला देखिए, के वाले में प्लस का K कॉमन करिए, तो प्लस का K कहाँ है इसमें, A1 B2 माइनस A2 B1 चेक करो, यहां तक समझ में आए, अब देखो इस चीज को थोड़ा तरीके से लिखना, ध्यान से देखना, आई इसको ऐसे लिखना डिटर्मिनेट में A1 सॉरी A2
a3 b2 b3। देखो ध्यान से, 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट पढ़ी है आपने, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, a2 b3 - a3 b2। तो इस चीज को डिटरमिनेंट में नहीं लिख सकते वापस, अगर डिटरमिनेंट लिखो तो उसको वापस ऐसे लिख सकते, तो इस चीज को वापस ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ऐसे, इसमें आएगी माइनस का जी टाइप, a1 a3 b1 b3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, के टाइप a1 a2 b1 b2। अब आपके इस बीच में माइनस क्यों रखा, तो जब डिटरमिनेंट पढ़ाया था तो आपको बताया था प्लस माइनस प्लस, 3 क्रॉस 3 की जो डिटरमिनेंट, उसको जब एक्सपेंड करते हैं तो पहले प्लस फिर माइनस ऐसे चलते हैं। अब भाई सर, इस डिटरमिनेंट को हम फाइनली ऐसे लिखने जा रहे हैं, एक ऐसी डिटरमिनेंट बना रहे हैं जिसकी पहली रो में कौन कौन, ये जो एलिमेंट होते हैं पहली रो के एलिमेंट होते हैं, यहां पे लिख दीजिए आई जे के, ये जब इस वाली इसकी बात करते हैं तो ये क्रॉस करते हैं तो ये वैल्यू कहां की होती है, a2 a3 b2 b3, याद करो डिटरमिनेंट, जब इसकी बात करते हो तो ये क्रॉस होता है ये क्रॉस होता है, तो ये वैल्यू कहां की होती है, पहले कॉलम की, तीसरे कॉलम की, यहां की a1 b1 और a3 b2 लिखी हुई है। और जब इसकी k की बात करो तो ये क्रॉस देखो बिल्कुल भर गया सही ढंग से, यानी कि हमारा जो a क्रॉस b होगा वो इस तरीके से निकलेगा। हम डिटरमिनेंट की सहायता लेंगे और डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आपको आता है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा मेरे को नहीं आता है, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 सबको बताइए, पढ़ाई भी गई है, सब पहले पढ़ चुके हो, ना बोलना कि नहीं आता है, कचर के मारेंगे, बता रहे हैं। मतलब क्या करना है फिर से समझ लीजिए, अब आपको जैसे a क्रॉस b निकालने बोलेंगे तो आप a क्रॉस b जैसे निकालने बोला जाए तो आप तुरंत ऐसे डिटरमिनेंट बनाएंगे। यहां पे क्या लिखेंगे, i फिर j फिर k, इतना तो कंपलसरी है, आई जे के लिख दिया, फिर पहले कौन वेक्टर लिखा, a के कोफिशियंट यहां डाल देना, i वाला कोफिशियंट, j वाला कोफिशियंट, k वाला कोफिशियंट, जैसे यहां कौन है, यहां पे i का कोफिशियंट है a, a वेक्टर का कोफिशियंट क्या है, a1 a2 a3 a1 a2 a3, d के कोफिशियंट क्या है, b1 b2 b3। देखो चेक करो, अब अगर हम इसी पे b क्रॉस a बनाना है तो b क्रॉस a की क्या डिटरमिनेंट बनेगी, i j k, पहले b के कोफिशियंट है b1 b2 b3, a1 a2 a3, इसको अब लिस्ट में ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बार साइन बदल जाता है, माइनस कर दिया, i j k ऐसे रखा, इनको बदल दिया, a1 a2 a3 b1 b2 b3, देखो कुछ खासियत मिली है भाई साहब, a क्रॉस b की वैल्यू ये लिखिए और b क्रॉस a की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसीलिए पढ़ाया था कि a क्रॉस b बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए पढ़ाया था a क्रॉस b बराबर नहीं होते b क्रॉस a के, a क्रॉस b किसके बराबर, b क्रॉस a किसके बराबर, माइनस a क्रॉस b के बराबर है, यानी अगर b क्रॉस a की जगह आपको कहीं जरूरत पड़े तो माइनस a क्रॉस b लिख सकते हैं आप, लेकिन a क्रॉस b नहीं लिख सकते हैं, माइनस a क्रॉस b। तो इन बातों को भी जरा ध्यान से समझ लीजिएगा जो आपको अलग से बताई नहीं है, इसको नोट करिए जरा बिल्कुल तरीके से, a क्रॉस b निकालने का आपको पैटर्न समझा दिए गए, a क्रॉस b निकालना है, डिटरमिनेंट बनेगी, पहली रो में i j k, दूसरे रो में कौन चलेंगे, पहले वेक्टर के कोफिशियंट, तीसरी रो में दूसरे वेक्टर के कोफिशियंट, पहली रो में तो फिक्स हो गया i j k। डेरिवेशंस कैसे आए, हम सीधे भी बता सकते थे a क्रॉस b का ये फॉर्मूला होता है, काम चल जाता, लेकिन ना हमने सीधे नहीं बताया, हमने आपको प्रोसेस बताया, हमने आपको प्रोसेस समझाया कि इस प्रोसेस का आप इस्तेमाल करिए, फिर मजे लीजिए सवाल के साथ, नोट इट, बहुत तेजी से नोट किया जाए, इसको मजा आ रही ना, आए सर इस पर एक सवाल दिखाते हैं, मिटा दे, बेटा बढ़िया से अच्छे से पढ़ो, मजा आएगा, तभी वेक्टर में मजे हैं, वेक्टर बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बस टेक्निकली एक एक चीज को समझ करके पढ़ा जाए, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, है ना, हाँ कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी तो आप हमें बता दीजिए, ठीक है ना, चलो सर सवाल देखते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू होता है, आप जैसे हम कह रहे हैं इफ a वेक्टर बराबर
टू वाई प्लस जीरो जे प्लस थ्री के और बी वेक्टर इज इक्वल टू फोर आई प्लस जे प्लस के, तो करें फाइन ए क्रॉस बी। क्या मांगा इन्होंने? ए क्रॉस बी निकाली। चलिए निकालिए ए क्रॉस बी, कैसे निकालेंगे? तुरंत ऐसे डिटरमिनेंट बनाए गए आई जे के बन गई। ए वेक्टर, ए वेक्टर के कोएफिशिएंट दो जीरो तीन, फिर बी वेक्टर तो चार एक एक। एक्सपेंड कर दो, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आता होगा, पहली रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड। पहली रो आई लिख लिया, ये वाला एलिमेंट यहां लिखा, ये गया ये कॉलम गया, क्या लिखेंगे? जीरो तीन एक एक, बीच में ये वाला एलिमेंट माइनस लगा करके, फिर दो चार तीन एक, फिर प्लस के दो चार जीरो एक। कैलकुलेट कर दो, दिस इंटू दिस पड़ा होगा जीरो माइनस तीन, दिस इंटू दिस दो माइनस छ चार छः बारह, प्लस के दो माइनस जीरो, कैलकुलेशन माइनस का थ्री आई और ये छः दस, प्लस का दस जे, प्लस का टू के, आंसर हो गया। आंसर वेक्टर का आंसर, अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो आंसर वेक्टर में आएगा, स्केलर में ना लिख देना कि वैल्यू निकाल के डॉट आउट करा के धर के आंसर चले आते हैं। सर मैंने तो डॉट कर दिया था, तो कर दिया था तो भुगतो, है ना? अगर डॉट कर दिया था तो भुगतो। समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, बहुत छोटी छोटी बात है, कोई बहुत बड़ी तमाशा नहीं है इसमें कि आप परेशान हो जाओ कि हम कैसे करेंगे। हाय राम हाय दैया, है ना? हाय राम हाय दैया की कोई जरूरत नहीं, आराम से काम करिए। अब आइए सर एक और सवाल देखते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस के, बी वेक्टर इज इक्वल टू टू आई प्लस जे प्लस के और सी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस टू जे प्लस के, करें फाइंड फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। कोई दिक्कत नहीं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए यानी तीनों वेक्टर का क्रॉस करवा रहे हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना होना। पहले देखो वेक्टर ब्रैकेट सॉल्व करें, पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, उससे जो एक वेक्टर आए उससे उसको ए के साथ क्रॉस करा देंगे, फाइनल आंसर निकल आएगा। परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशानी बात नहीं है यहाँ पे। आइए कैसे काम करेंगे, सुनो। सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालो, तो आई जे के, बी के कोएफिशिएंट दो एक एक, सी के कोएफिशिएंट एक दो एक, एक्सपेंड आई एक दो एक एक माइनस जे दो एक 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 प्लस के दो एक एक दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आई वन माइनस टू माइनस जे टू माइनस वन के चार माइनस एक, वैल्यू बताइए माइनस की आई, ये माइनस का जे प्लस का थ्री के। यहां तक बात समझ में आ गई, बी क्रॉस सी निकल आया, बी क्रॉस सी निकल आया। अब आइए सर आपको क्या निकालना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको यहां लिख देते हैं। पहले ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, आई माइनस टू जे प्लस के क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आई, माइनस की आई माइनस का जे प्लस का थ्री के, ऐसे भी लिखा है। अब डिटरमिनेंट बनाओ, अब बनाओ डिटरमिनेंट, यहाँ आई यहाँ जे यहाँ के। पहले कौन वेक्टर लिखा है, इसके कोएफिशिएंट वन माइनस टू वन, इसके कोएफिशिएंट माइनस एक और प्लस का तीन। अब एक्सपेंड कर दो, आई छोटा डिटरमिनेंट माइनस का दो एक माइनस एक तीन, माइनस का जे एक माइनस एक एक तीन, प्लस का के एक माइनस एक माइनस दो एक माइनस एक, दिस इंटू दिस माइनस का छ प्लस का वन, माइनस का जे तीन प्लस एक, प्लस का के माइनस का एक माइनस का दो। कैलकुलेशन माइनस का फाइव आई आ जाएगा आगे, ये चार माइनस का चार जे हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये माइनस का तीन के हो जाएगा, ये आपका आंसर बन गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई, देख लो ना कहीं कोई समस्या है वस्या हो तो बता देना भाई, है ना? बी क्रॉस सी दो एक एक, एक दो एक, एक्सपेंड किया वन टू वन वन जे टू वन 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 के टू वन वन टू, सही है सही है सही है। ठीक चलिए, ओके ओके समझ में आ गया, प्रोसेस क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? तो आपको हमने क्रॉस करना सिखा दिया, है ना? अब इसके बाद हम आगे वीडियो में इसके आगे की वार्ता बनाएंगे और धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के आगे चलेंगे, है ना? कोई परेशानी वाली विषय नहीं है, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, आराम से चलो, सब हो जाएगा। ओके धन्यवाद, थैंक यू।